मॉर्निंग टू ऑल, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं मंतोष चक्रवर्ती और मैं हूं फिलहाल अभी अपने घर पे। आज है सेकंड डे 75 हार्ट चैलेंज का और बहुत मज़ा आ रहा है। तो स्टार्ट करके अभी सुबह मैं पूजा पाठ करके रेडी हो गया हूं। माला जपना भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, सारे काम कर लिए। पता है मैंने एक्चुअली मेरे डेली का सुबह का रूटीन पूजा पाठ में मैं क्या करता हूँ, एक हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, सेकेंड भागवत गीता का एक श्लोक का पाठ करता हूँ। सिर्फ ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक एक श्लोक करके। अभी मैं कर्म योग पे हूँ, ठीक है। तो अभी डेली का रूटीन है मेरा ये। अब उसमें ऐड ऑन मैंने ये माला जप भी कर लिया। माला जप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप माला नहीं जपोगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका पूजा पाठ करने का। तो माला जप का भी काम कंप्लीट हो चुका है, सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। 1 लीटर पानी सुबह मैं पी चुका हूँ। ये एडिटिंग वाला भी काम खत्म हो गया है, चेक कर सकते हो। एक्सपोर्ट भी हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया। अभी फ़िलहाल मुझे बस जाना फैक्ट्री, और 2 दिन से मैंने माल नहीं पैक करा था, तो फैक्ट्री से माल लेके आना है और माल पैक करना सिर्फ। और आज दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, अभी फिलहाल जाके फैक्ट्री से माल लेके आता हूँ और ऑफिस पहुँच के दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं। तो मेरा सारा पैक हो चुका है, ठीक है। ये ई कॉम का माल भी जा चुका है, फ्लिपकार्ट भी पैक हो चुका है, मीशो भी पैक हो चुका है। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट के कुछ ये पैकेट रह रहे हैं, इतने पैकेट अभी बचे हुए हैं, और 2 मीशो के रह रहे हैं। तो ये दोनों पैकेट एक्चुअली दूसरे कलर है, जो कलर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो मुझे अभी दोबारा घर जाना पड़ेगा, घर से लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये पैकिंग ख़त्म होगा। और अच्छी बात यह है कि सारा माल पैक हो चुका है और लाइट तब गई है। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ कुछ भी काम नहीं करा। अभी 12 बज गए ना, मैंने वीडियो अपलोड करा है, बस पैकेजिंग कर रहा हूँ तब से, क्योंकि 2 दिन का माल है। मंडे को ऐसे लोड होता है, लोड चेकआउट कर सकते हो। ये रहा, अभी ये भी पैक करना है, फिर 2 पैकेट ये रहे और पैक करने, तो ये सब लोड है। तो फिलहाल घर जा रहा हूँ, माल लेके आता हूँ। ये 2 थैले लेके आया था, दोनों खाली हो गए, तो सोच सकते हो सारा माल ख़त्म, ठीक है। अभी माल लेके आता हूँ, इनको पैक करता हूँ। ये पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई, इसी बहाने पानी भी लेके आ जाऊँगा। लाइट तो आ नहीं रही है, तो टाइम को हम वेस्ट नहीं करते, माल लेके आते हैं और पैकिंग वाला काम बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी माल जो है सारा मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी माल नहीं, ये भी थैला ख़त्म, माल भी ख़त्म हो चुका है और सेल भी आने वाली है, तो माल स्टॉक करना पड़ेगा उससे पहले। फिलहाल मैं घर से पहले माल लेके आता हूँ और ये वाली पैकिंग ख़त्म करता हूँ। माल तो मैं लेके आ गया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो फिलहाल जब तक लाइट नहीं आ रही, इनको पैक कर लेते हैं, ये काम ख़त्म हो जाएगा, एक काम मेरा डन हो जाएगा। अब जाके मेरा सारा माल पैक हुआ है, अब बोल सकता हूँ मैं सारा माल पैक हो चुका है, फ्लिपकार्ट का भी, मीशो का भी। लेकिन लाइट अभी भी फिर भी नहीं आई, तो अब मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आया है केरला साइड से, ये ऑर्डर आया है उड़ीसा साइड से, ये ऑर्डर आया है तेलंगाना। तो सारा अलग अलग, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, सारा अलग अलग स्टेट्स आया। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया से आता है ऑर्डर। लिंक दे रखा है मैंने अपनी वेबसाइट का कम डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट जरूर करना। ये कौन सा प्रोडक्ट है मैं नहीं बताता अभी फ़िलहाल, लिंक भी आके क्लिक कर लेना, देख लेना कौन कौन से प्रोडक्ट है। कुछ इस प्रकार के ऑर्डर है, लाइव है बिल्कुल, कोई क्लिप बिट नहीं है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेकआउट करना। अभी तक का फल है, सारा काम डन हो चुका है मेरा, ठीक है। लेकिन बस लाइट आ जाए, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। भाई अपना एडिटिंग वाला काम हो गया महाभारत का, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लेके चलो मैं 2 दिन का बैकअप, ये शेड्यूल पे लगा, ये 2 दिन शेड्यूल पे लगा दूंगा, ठीक है। ये भी काम ख़त्म हो गया, बस फ्लिपकार्ट का पिकअप रह गया, फ्लिपकार्ट चलेगा, सारा माल जा चुका है मेरा। और वीडियो अपलोडिंग का सारा काम ख़त्म हो गया, और ये अभी काम ही कर रहा था, थंबनेल में बना रहा था। और एक माह से और आए हुए हैं भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे यार भाई, कोट लेने आया था। तो भाई की एक न्यूज़ आने वाली है, जल्दी वो पता चलेगा क्या न्यूज़ है, लेकिन अभी नहीं बता सकते, बस उसकी तैयारी चल रही है। तो उसने ड्राई क्लीनिंग के लिए कोट दे रखा है, बस यही आसपास है, तो वहीं उसी के लिए आया हुआ था। हाथ में कुछ है तो नहीं भाई तेरे? नहीं भाई, घड़ी। तो बस भाई ये काम ख़त्म कर रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट का पिकअप हो जाए जितना बचा हुआ है, बस उसके बाद चलेंगे ड्राई क्लीनिंग कोट लेने के लिए। चलो भाई सारा काम ख़त्म हो गया, सिस्टम भी मैंने ऑफ कर दिया, और फ्लिपकार्ट का पिकअप भी जस्ट अभी हुआ है, तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, थैला रख लिया अपना, अब चलते हैं घर। चलो भाई लियो, हो गया ठीक है? मेरे को भी लेके जाए।
के लिए मैंने बॉल ला के दिया ये वाला, लेकिन ये बॉल से नहीं खेलेगा ठीक है, इसको पसंद है प्लास्टिक सिर्फ, क्योंकि इसको काट पाता है ना ठीक से। आजा आओ, नाराज हो गया है। कब तक दबा के बैठेगा बेटा, कभी तो मुंह से निकलेगा तेरे। ये निकला, कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाएगा, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, कहाँ 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 कहाँ, यहीं घुस जाएगा अंदर है, कभी तो रखेगा नीचे। ये नीचे रखा ना, बस आ गया मेरे हाथ में। आजा आजा, चलाकी से आएगा, बिल्कुल चलाकी से। अभी वो डंडे से खेल रहा है ना, धीरे करके इसमें बढ़ेगा। देखा, आजा आजा, पकड़ लिया ना, आ गया ना, आ गया ना, चला के दिखा दिए ना, भाग जा, अब कहाँ भाग गया। ला 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 ना, कहाँ लेके जाएगा, ला छोड़ 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 छोड़, अपना पूरा ताकत दिखा रहा है, जोर दिखा रहे हैं, छोड़ छोड़ छोड़, आओ। इसका नाम है लियो, अपना घर का। ये रात को बस भौंकता रहता है, हाँ ऐसे लेट जाएगा, सरेंडर कर देगा अपना आपको है। तो भाई अपने छत पे एक नए नए फूल खिलाया, मस्त वाइट कलर का ये है, ये बरगद का पेड़ नहीं है वैसे तो, कुछ और प्लांट है, लेकिन ये फ्लावर्स लगाए छोटे छोटे जिनमें फूल उगना स्टार्ट हो गया, वाइट कलर का प्यारा सा फूल हो रहा है। ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा मस्त लगेगा। बस अब दिक्कत सारी है, इससे बचा कर रखना, ये ना ये बहुत शैतानी काट देता है पेड़ को, तो ये ऐसे बड़े हो जाएंगे ना, जैसे ये बड़ा हो गया तो इसको सेपरेट लगा दूंगा। मेरे पास है गमले तो काफ़ी सारे लगाए हैं, एक नहीं काफ़ी सारे, जैसे जिसमें से एक बड़ा हो गया। और हाँ भाई, क्या परेशानी है, जेब क्यों फाड़ रहा है मेरी, ये मट्टी खाता है ऐसे करके। आज का भी ये टारगेट कंप्लीट हो गया है, आज सेकंड डे है अपना 75 हार्ड डे का। और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली, वैसे मैंने मार्क कर दिया, मैंने यहाँ तक रीड कर लिया है ठीक है। मैं एक पॉइंट सुना देता हूँ बस, यहाँ पे है दो लाइन ठीक है। अब ये छोटा सा पैरा है, इस पैरे में पूरा डिटेल में बता रखा है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इसमें दो डैड के बारे में पूरा डिफरेंस है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, माई हाईली एजुकेटेड डैड रिकमेंडेड दैट आई डू व्हाट ही डिड, जो उन्होंने करा वही मुझे करने के लिए बोल रहे हैं। सन आई वॉन्ट टू यू टू स्टडी हार्ड, पहले स्टडी हार्ड जो सबके पेरेंट्स बोलते हैं, स्टडी हार्ड करो, गुड ग्रेड्स लाओ ठीक है, अच्छे मार्क्स लाओ, फाइंड सेफ सिक्योर जॉब विद अ बिग कंपनी, अच्छा सा जॉब ढूंढो इन बिग कंपनी एंड मेक श्योर इट एक्सलेंट बेनिफिट ठीक है। ये तो सबकी ख्वाहिश होती है, सबके पेरेंट्स की। बट इससे अलग हट के जो रिच डैड बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, माई रिच डैड वॉन्टेड मी टू लर्न हाउ मनी वर्क सो आई कुड मेक इट वर्क फॉर मी ठीक है। अगर मनी को हम समझेंगे कि वो किस तरह काम कर रहा है, तो मनी हमारे लिए काम करेगा। तो ये दो थॉट हो गए जो इस छोटे से पैरा में समझ में आ चुका है। मैं एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद पढ़ लेना क्या बोलना चाह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है। टोटल मिला के आज के जो मैंने पैरा में समझा ना, उसमें ये समझ में आया, एक तो दो टाइप के पीपल्स होते हैं जो जॉब पे रिगार्डिंग होते हैं। एक्चुअली जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें हम शिकायतें करते हैं, तो उसमें मेनली हम शिकायत करते हैं सामने वाले पर्सन से कि भाई वो हमें कम पैसे दे रहा है। मान लो मैं जॉब पे हूँ, मुझे किसी ने हायर करा है, तो मैं हमेशा प्रॉब्लम यही क्वेश्चन करूँगा, भाई वो ज़्यादा काम दे रहा है मुझे, या वो मुझे पैसे कम दे रहा है वो, या फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है यहाँ की। तो मैं शिकायत क्या करूँगा, कंप्लेन करूँगा अगेंस्ट सामने वाले पर्सन की, या जॉब की करूँगा, या तो बॉस की करूँगा, या तो टाइम की करूँगा, या तो वर्क की करूँगा। तो ये मैं क्वेश्चन करूँगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन मैं खुद से नहीं करूँगा कि मुझे सीखने को क्या मिल रहा है। तो यही होते लाइफ के लेसन। अगर इसमें दो जो माइंडसेट अभी बताया, जैसे मैंने अभी पैरा में बताया ठीक है,
फर्स्ट जो पुअर डैड की माइंड सेट है वो है जॉब को रिगार्डिंग। अगर जॉब करेंगे, जॉब मिल भी गया, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छे प्लेसमेंट मिल गई, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक एजुकेशन, एक पीएचडी होल्डर को ले लो, उसको भी पैसे की, मनी की प्रॉब्लम रहती है। अब वो मनी की प्रॉब्लम क्यों रहती है, इसी में बताया गया। मैंने जस्ट अभी वही लेसन ख़त्म कराया, तो मनी के एक एग्जांपल के तौर में मैंने जो बताया भी, पीएचडी को ले लो, पीएचडी जो करके बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी जॉब जो हायर एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, उनको भी पैसे की प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा मोटिव दिया, उन्होंने काम को, जॉब को ढूंढने में ज़्यादा मोटिव दिया रैदर देन मनी, मनी को समझने में। अगर और बिजनेसमैन जो होते हैं वो मनी को समझते हैं कि मनी का फ्लो कैसा है, बिहेव कैसा है, अगर हम मनी के पीछे भागेंगे किस तरीके से मनी काम करता है। तो ये दो थॉट है जो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, मज़ा आ रहा है वैसे तो। मैं अब मैं 100% रिकमेंड कर सकता हूँ कि रिच डैड पुअर डैड भाई पढ़ो, बहुत ही अच्छी किताब है। और जब तक इसमें दो है, ऑडियोबल भी है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो ऑडियोबल में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जब मज़ा आएगा जब रीड करोगे खुद एक एक सेंटेंस, और थोड़े फनी टाइप में समझा रखा है बाकी तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया जो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिलहाल हाँ, आज का टास्क कंप्लीट हो चुका है ये भी, और एक्सरसाइज मैं भी कर लेता हूँ और वीडियो को भी समाप्त कर देता हूँ। पहले मैं टिक कर लेता हूँ डायरी में, जैसे मैं हर पर डे करने वाला हूँ 75 दिन तक। ये रही अपनी डायरी, इसको मैं नोट इट कर लूँगा। आज क्या तारीख है, 24 तारीख। एक भी दिन क्वाइट नहीं करना है, कल से हमने स्टार्ट करा था 23 तारीख से, आज है 24, ठीक है। हमें पूरे 75 दिन तक करना है। तो सबसे मेन काम तो यही है, बुक रीडिंग करना और एक्सरसाइज करना। बुक रीडिंग काम कंप्लीट हो चुका है, और अब कौन कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे सेल्फी वाला काम हो गया, पानी वाला काम सही चल रहा है, रीड 10 पेज जस्ट अभी ख़त्म करा है, डाइट प्लान भी बहुत मस्त चल रहा है, वर्कआउट अभी करो, माला जब सुबह सुबह हो गया था, तो सारा काम ख़त्म हो गया। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नए इसी सीरीज़ के साथ। कल 3rd चैलेंज है, आज 2nd डे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।